अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही अच्छी रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सीजनल फल की से केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छी बनती है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इसमें मैंने ना मैदा यूज किया, ना ओवन, ना अंडा और दही भी हमने यूज नहीं किया है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो मैं आज बना रही हूँ सूजी मैंगो केक। तो चलिए चलते हैं और फटाफट बताते हैं ये कैसे बनती है। तो देखिए, मैंगो केक बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़े साइज का आम। इसे मैं इसका छिलका उतार कर पहले चॉप कर लेती हूँ। तो देखिए, एक मिक्सर जार लिया है हमने। मैं मैंगो सूजी केक आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो एक कप सूजी हम डालेंगे, आप चाहे मोटी वाली लीजिए या बारीक सूजी लीजिए, उसे पीसना जरूरी होता है। एक और ये आधा कप, डेढ़ कप हम सूजी ले रहे हैं, इसे हम पीस लेते हैं एकदम बारीक, हमें इसे पीस लेना है। तो देखिए, एक जार में हमने मैंगो को छील कर काट के डाल लिया है। आम, एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं टिप्स दे रही हूँ कि आम हमें पका हुआ ही लेना है, जो अच्छी तरह से पका हो और मीठा हो। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ कप शुगर, तो इसमें आपको शुगर को अलग से पीसना नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो देखिए, सूजी को हमने इस तरह का बारीक, बिल्कुल इस तरह से बारीक एकदम पीस ली है हमने, और इसी तरह का हमें बारीक पाउडर बनाना है। और ये मैंगो और चीनी को भी हमने पीस कर इस तरह का पेस्ट तैयार कर लिया। देखिए, तो देखिए एक बोल ले लिया है हमने, इसमें ये मैंगो वाले पल्प को हम डाल देंगे। मैंगो वाले पल्प को हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आप इसकी जगह घी या बटर भी ले सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मैंगो और ऑयल को हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने जो ये पाउडर बना के रखी है सूजी के, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी ऐड करती जाऊंगी और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हमें नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इस तरह से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा डालना है। लगभग 3-4 टेबल स्पून एक बार डालिए और उसे मिक्स करते जाइए, और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सूजी पूरी डाल दी है जो हमने पीस कर रखी थी, और उसे हमने 5 बार में ऐड किया है, और इस तरह का बिल्कुल थिक बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं डाल दूंगी ये हाफ कप मिल्क, फेंटना है हमें, डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है इस तरह से। और सूजी है तो ये तो भाई पानी या दूध पिए, जहाँ पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ उस जगह पर आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश दही हो तभी आप इसमें ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसका स्वाद जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो देखिए, हाफ कप दूध डालकर भी हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इस तरह का हमारा इसका बैटर तैयार हो गया। देख सकते हैं आप, रिबन की तरह गिर रहा है, लेकिन अभी हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। तो इसे मैं ढक कर रख देती हूँ लगभग आधे घंटे के लिए, आप चाहे तो 1 घंटे भी रख सकते हैं। जितनी देर रखेंगे उतनी अच्छी आपकी केक फूलकर फ्लफी और स्पॉन्जी बनेगी। तो चलिए अब हम इसे रेस्ट करने देते हैं। तो देखिए, इस तरह का हमने केक टिन ले लिया है, इसमें थोड़ी सी हमने ऑयल लगा दी है। ऑयल लगा के अच्छी तरह से हमें इसे ग्रीस कर लेना है। इसमें मैं कोई भी बटर पेपर का यूज नहीं कर रही हूँ, ना बटर पेपर, ना मैदा, ना दही और ना ओवन। मैं जो ये केक बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसे कोई भी बना सकता है जिसके घर में ओवन ना हो, जिसे मैदा नहीं खाना हो। और ये इसमें मैं कोई एसेंस भी नहीं ऐड कर रही हूँ और ना इलायची वगैरह मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इस मैंगो का जो अपना फ्लेवर होता है मैं उसी के साथ बना रही हूँ, ताकि मैंगो का पूरा टेस्ट निखर कर आए। तो देखिए, हमने तेल से ग्रीस कर लिया, इसमें मैं 1 टीस्पून गेहूं का आटा डाल रही हूँ, आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से आटे से इस तरह से करते हुए हमें इसको ग्रीस कर लेना है।
स्टीम को हमने ग्रीस कर लिया, इसमें जो भी एक्स्ट्रा आटा हो उसे इस तरह से कर देने से जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकल जाती है। तो चलिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो देखिए ये जो हमने ढक कर रखी थी इसे मैंने लगभग एक घंटा रेस्ट कराया है। आप चाहे तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन एक घंटे के लिए रखेंगे तो और अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं इसकी बैटर और जो सूजी है बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है फूल कर। यहाँ पर मैं डाल दूंगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून, और ये है हमारी 1/2 टीस्पून, यानी 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, बेकिंग सोडा नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी दूध को इस तरह से डाल देंगे, लगभग 1/2 कप दूध। और सूजी फूलने के बाद थोड़ी सी थिक होती है, इसलिए हम दूध को डालकर इसमें इसे एक्टिवेट कर लेंगे जो बेकिंग सोडा हमने डाला है। और इस तरह से इस जगह पर मैं थोड़ी सी लगभग 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, और सारे कलर की मिक्स टूटी फ्रूटी है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ये हमारी होममेड टूटी फ्रूटी है। तो इसे थोड़ा सा हमने आटा डालकर इसे इस तरह से कोट करके रखा हुआ ताकि ये चिपके ना, इसे डाल देंगे। तो देखिए बैटर जो है हमारी केक की इस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसे रिबन की तरह ये गिर रही है, बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। तब हम इसे जो केक टिन को हमने ग्रीस करके रखा था उसमें मैं डाल देती हूँ उसे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे केक टिन में डाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से टैप 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 कर देंगे, जो भी एयर बबल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी एयर बबल्स है ऊपर आकर अच्छी तरह से हमें टैप कर देना है ताकि एयर बबल्स अंदर न रह जाए। चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ ऊपर से। तो ये थोड़ी सी मैं बादाम को काट ली हूँ, 2-3 बादाम। आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो दिखानी रहती है तो थोड़ी खूबसूरती की जरूरत होती है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसे सजा दे रही हूँ। थोड़ी सी काजू, ज्यादा नहीं यूज किया है हमने, 2-3 काजू 2-3 बादाम का ही यूज किया है हमने। थोड़े से ये हमारे पिस्ते ऐसे सजा देने से अच्छी लगती है। थोड़ी सी किशमिश के दाने, आप देख सकते हैं कितने कम चीज मैंने ऐड किए हैं। और ये थोड़ी सी मैं चेरी भी ऐड कर दे रही हूँ। तो ये हमारी केक अब रेडी हो गई है बेक होने के लिए। तो इसे मैं बिना ओवन के दिखा रही हूँ और कुकर में दिखा रही हूँ। तो देखिए ये रेडी हो गई है, और कुकर को हमने पहले से प्री हीट करके रखा है लगभग 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर। जिस तरह से ओवन को आप प्री हीट करते हैं उस तरह से मैंने कुकर को प्री हीट किया है। तो चलिए अब हम इसे उसमें बेक होने के लिए रख देते हैं। ये कुकर का जो गैस्केट होता है रबर और सीटी हमने निकाल दी है, और अंदर हमने एक जाली स्टैंड रख दिया है। अब हम इसे डाल देते हैं अंदर बेक होने के लिए, बहुत ही केयरफुली हमको रखना है। तो देखिए इसे हमने डाल दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे 30 से 35 मिनट हम बेक होने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो चलिए 30 से 35 मिनट हम इसे बेक होने देते हैं लो फ्लेम पर, या मीडियम टू लो फ्लेम रखिए या लो फ्लेम रखिए, उसके बाद मैं इसे चेक कर लूंगी। तो देखिए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, और बीच में हमने केक को चेक किया था लगभग 35 मिनट में, तो वो केक थोड़ी सी बीच में हल्की सी कच्ची थी। तो 40 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस को हमने ऑफ कर दिया है और मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए हमारी केक कितनी अच्छी बनी है। और एक बार बिल्कुल सेंटर में इस तरह से देखिए, बिल्कुल सही बनी है हमारी केक। ये थोड़ी बहुत है लेकिन ये गीली नहीं है। तो केक हमारी बन गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने कुकर में से निकाल लिया है, और केक हमारी अच्छी तरह से बन गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। और आप देख सकते हैं साइड से अपने आप छोड़ चुकी है। तो अभी ये काफी गर्म है, तो इसे हम रख देते हैं, ठंडा होने देते हैं। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तब हम इसे डीमोल्ड करके आपको दिखा देंगे। तो देखिए केक हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है,
तो मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। किनारा तो खुद ब खुद छूट ही गया था, फिर भी मैं देख के इस तरह से चाकू से, तो देखिए इस तरह से एक प्लेट में रख लेती हूँ। और आपने देखा मैंने कोई भी बटर पेपर वगैरह यूज नहीं किया है, फिर भी ये केक हमारी कितनी अच्छी तरह से बनकर, वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से केक हमारी बनकर रेडी हुई है और बहुत ही अच्छी तरह से निकल भी गई है। कोई बटर पेपर की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि देखिए ये कितनी स्पॉन्जी बनी है। चलिए मैं इसे कट करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी स्पॉन्जी केक हमारी बनकर रेडी हुई है, देख सकते हैं आप। और ये जो टूटी फ्रूटी है हमारी बीच बीच में जो हमने डाली थी, वो कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट, देखिए बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह केक हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसकी टेक्सचर देखिए, इसकी लुक को देखिए। और इसमें कोई भी मैदा हमने यूज नहीं किया है, सिर्फ सूजी और मैंगो से हमने इसे बनाया है, ना इसमें कोई एसेंस डाली है ना कुछ, झटपट बनकर रेडी हो गई है। और घर में जो भी चीजें पड़ी होती हैं बस उसी से हमने बनाई है। तो इसे आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये केक कैसी बनी, और ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी आपको लगी और कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।